ले का लेकर बता दिखा दे बे बिंधा चल तू जा रहा थी ना तेरे घरे खा जा रही के केम जानी हां ये सब काम मत किया कर हां बना वीडियो मुंह बना बना ले पहली बात तेरे समझा हां मैंने समझाए है तू सबे अच्छा माला कुछ करा लड़की के साथ काहे गलत करा हम अपने यूपी के मिर्जापुर के विंध्याचल में पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप फर्जी निकला है। पुलिस से शिकायत की गई थी कि अष्टभुजा पहाड़ी से सीता कुंड से दर्शन पूजन कर लौट रहे पति पत्नी के साथ पहले मारपीट की गई और उसके बाद पति को बंधक बनाकर चार लोगों ने उसकी पत्नी को जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिर्जापुर के विंध्याचल थाना इलाके में आने वाली अष्टभुजा पहाड़ी पर पत्नी के साथ चार लोगों ने दुष्कर्म किया वो मामला फर्जी निकला है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान पता चला है कि पीड़ित पति पत्नी नहीं है। उस दिन सोहन भारती अपनी महिला मित्र और दोस्त नीरज के साथ बाइक से अष्टभुजा पहाड़ी पर घूमने गया था। जंगल में सोहन अपनी महिला मित्र के साथ बैठा था, तभी चार लोग वहां पहुंचे, उनका वीडियो बनाने लगे और पैसे की डिमांड करने लगे, जिस पर दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ। इस मामले को लेकर सोहन के दोस्त ने आरोपी का वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर डाल दिया, जिसके बाद उसे एडिट कर मामले को दुष्कर्म की तरह दिखाया ताकि पुलिस तेजी से कार्रवाई करे। इससे पहले पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 11 सितंबर 2024 को दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। हम पति पत्नी विंध्याचल की काली खो मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद पहाड़ के ऊपर सीता कुंड पर दर्शन करने पहुंचे थे। वहां पर दर्शन कर लौट रहे थे, तभी रास्ते में 4-5 लोग मिले और डंडों से मारने पीटने लगे, सारा पैसा और मोबाइल छीन लिया। इसके बाद मुझे नीम के पेड़ के पास बंधक बनाकर मेरी पत्नी को जंगल में खींच कर ले गए, जहां पर चार लोगों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। पत्नी के चीखने चिल्लाने पर दोनों को जान से मारने की धमकी दी। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन का कहना है कि दुष्कर्म का आरोप जांच के बाद फर्जी निकला है, इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जाँच की जा रही है। कल एक प्रकरण संज्ञान में आया जिसमें कि एक व्यक्ति है सोहन भारती, उसने ये सूचना दी कि वो और उसकी पत्नी अष्टभुजा पहाड़ी पे 11 तारीख को घूमने गए थे। वहाँ उसको बंधक बना के उसकी पत्नी के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और जो उसके द्वारा दी गई तहरीर थी उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। विवेचना शुरू हुई और जो पूरा घटनाक्रम सामने आया वो इस प्रकार है कि सोहन भारती जो कि जिसने शिकायत की थी वो और जिस महिला के साथ उसने ये घटना होना बताया गया है और एक व्यक्ति नीरज, ये तीन लोग मोटरसाइकिल से 11 तारीख को घूमने गए थे अष्टभुजा पहाड़ी पे, जहाँ तीनों लोग साथ में बैठे हुए थे। लगभग 12:30 बजे दिन में चार लोग वहाँ पर आए, जिसमें कि दो लोगों का नाम इनको पता था, सूरज और शंभू, और दो अज्ञात व्यक्ति थे। वो लोग इनका वीडियो बना रहे थे। इस चीज़ को इन लोगों ने देख लिया। वीडियो बनाने के बाद जो दूसरा पक्ष है उसने इनसे पैसे की डिमांड की और इस तरह से गलत ढंग से वीडियो बनाने को लेकर और पैसा मांगने को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद जो सोहन भारती है उसने अपने एक रिश्तेदार प्रदीप भारती को इस चीज़ की सूचना दी और उसके बाद इसके रिश्तेदार प्रदीप भारती ने एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाला कि जिसने भी इसको देखा है, इस व्यक्ति को, सूरज नाम का जो व्यक्ति है जो इसमें एक्यूज्ड बताया जा रहा है, उसको अगर किसी ने देखा है तो तत्काल इस नंबर पर सूचना दें। इसी वीडियो को देखकर एक व्यक्ति है रोहित त्रिपाठी, जिसने इनसे संपर्क किया प्रदीप से और उसके बाद इन लोगों ने आपस में बैठ के एक योजना बनाई और रोहित ने इनको समझाया कि अगर आप इस घटना को इस तरह का रूप देंगे कि आप और जो दूसरी महिला थी वो पति पत्नी है और इस तरह की गैंग रेप की घटना हुई है तो फिर तत्काल जो है पुलिस विपक्षी के विरुद्ध एक्शन लेगी। जांच में ये भी सामने आया है कि जो व्यक्ति है और जो महिला है पीड़िता जिसको बताया जा रहा है, ये दोनों आपस में पति पत्नी नहीं हैं,
इनके बीच में कुछ समय से आपसी दोस्ती है और उस दोस्ती के क्रम में ही ये वहाँ पर गए थे। इसके अलावा ये जो इन लोगों ने आपस में प्रायोजित ढंग से वीडियो बनाया और फिर ये सोशल मीडिया पे वायरल करने का प्रयास किया ताकि ये प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आए और पुलिस इस पर कार्रवाई करे। तो ये कुल मिला जुला के इस तरह का प्रकरण निकला है कि ये तीनों आपस में दोस्त थे, सुमन भारती जो इसमें वादी है और नीरज और ये जो महिला है, इन लोगों को इन जो चार लोगों ने इनको देखा, इनका वीडियो बनाया, इनसे पैसे की डिमांड की और उस क्रम में इनके बीच में झगड़ा हुआ और इसको एक इस ढंग से गैंगरेप का रूप के रूप में प्रेजेंट किया गया। हालांकि जो भी तहरीर इन लोगों ने दी तत्काल उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना के क्रम में ये सारे तथ्य सामने आए हैं। आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मिर्जापुर से यूपी तक के लिए सुरेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।